दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना होगा। उनकी पहली रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में है। इस बीच दिल्ली शराब नीति केस में बीते 10 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में आज दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आपकी नेता आतिशी और केजरीवाल मंत्रिमंडल में दूसरे मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया है। ईडी के वकील ने यह दावा कोर्ट में किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के वकील जब यह दावा कर रहे थे उस दौरान केजरीवाल चुप थे और उन्होंने इस दावे का कोई खंडन नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईडी का कहना है कि पूछताछ में फिलहाल केजरीवाल अधिकतर सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन ईडी ने यह दावा किया है कि पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में यह कहा है कि आपके नेता विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे। ईडी के मुताबिक दिल्ली के सीएम ने कहा है कि नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट किया करते थे। यह पहली बार है जब इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है। ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी विजय नायर आम आदमी पार्टी और घोटाले में शामिल साउथ लॉबी के बीच मीडिएटर बने हुए थे। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से बात की थी और विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए उन पर भरोसा करने को कहा था। विजय नायर इस केस में गिरफ्तार होने वाले पहले आप नेता थे। इसके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में अब आतिशी और सौरभ का नाम सामने आने से आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुसीबत पैदा हो गई है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से दिल्ली सरकार के कामकाज और पार्टी की कमान को संभाले हुए हैं। दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन दोनों नेताओं का नाम लिया जा रहा है, लेकिन समझा जा रहा है कि केजरीवाल के इस खुलासे के बाद ईडी का शिकंजा अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी कस सकता है। टाइम्स नाउ, नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।